औरंगाबाद में SC ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद पूर्ण रूपेण बंद का असर देखा गया। इस बंद में स्वर्ण समुदाय की ओर से पूरे भारत में बंद का असर देखा गया। औरंगाबाद में कोने कोने में बंद का असर देखा गया और NH2 को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। इस प्रकार की बंदी से आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोग काफ़ी परेशान रहे। बंदी को देखते हुए प्रशासन में भी कोई अप्रिय घटना न घट जाए उसको लेकर तैयारी पूरी कर रही थी। सिर्फ ये सीमित अब SC ST एक्ट तक नहीं रहा है, आप प्रमोशन में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, रोजगार में आरक्षण, पंचायत में आरक्षण, पैक्स में आरक्षण, एक वर्ग अब पूछने लगा है कि जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़कर लोग सत्तासीन हुए हैं, आज इस सामाजिक अन्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा। और इस सामाजिक अन्याय पर खासकर सवर्ण और OBC जनप्रतिनिधि जो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, ये अब उनके बोलने का समय आ गया है। ये आंदोलन इतना व्यापक होगा कि वो बोलने पर मजबूर होंगे, अन्यथा गांव, प्रखंड, जिला, राज्य और देश उनको स्वीकार करने के मूड में अब नहीं है। और हमारी ताकत का आज अंदाजा है कि आप देख सकते हैं कि व्यापक चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी शुरू हो चुकी है। जरूरत है कि हम संगठित हों, जरूरत है हम एक मंच के नीचे आएं और अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए एकजुट होकर अपने आवाज़ को बुलंद तरीके से सरकार के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। नेशन 24 के लिए औरंगाबाद से कमलेश कुमार सिंह के साथ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।